कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव जामोद के रास्ते राहुल गांधी का काफिला रवाना हुआ, जो सुबह 7 बजे बुरहानपुर के बोदरली गांव पहुंचा। बोदरली गांव में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बंजारा लोक नृत्य कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर यात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने कहा कि हम नफरत और डर भरा हिंदुस्तान नहीं चाहते। सारी इंडस्ट्री, रेल, विमान सब 4 उद्योगपतियों के हाथों में है। ये भाजपा की नीति है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर आपको अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता के जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसकी शिक्षा, उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है, केरला से यहां तक पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यह अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए पहले, तो दूसरी बात यह है।